देश भर में कांग्रेस पार्टी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। जहां विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने तिरंगा लहराया, वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज हम आजादी के महान पर्व पे ये 75वीं जो सालगिरह है, ऐसे मौके पे हम उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, कितने कष्ट झेले और उस आज़ादी की लड़ाई में हमें कामयाब बनाया। आज ये भारत 75वें साल में आज़ादी के पर्व को मना रहा है और ऐसे मौके पे कुछ विघटनकारी ताकतें जिन्होंने हमें ये चेतावनी दी थी कि हम अपने घरों पे बैठे रहें और हम झंडा ना फहराएं, हम उन विघटनकारी ताकतों को ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, ये आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, वो देश के किसी कोने में हो, इस विश्व के किसी कोने में हो जहाँ से वो हमें गिदड़ धमकियाँ देते हो, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए बहुत सारे हमारे वीर सपूतों ने आहुति दी है, अगर हमें भी ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो हमारा सौभाग्य होगा। और आज खास तौर पे ज़्यादा उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। मेरा सभी अपने जितने भी हमारे कुल्लू वासियों को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहता हूँ और मेरे अपने पार्टी के जितने संगठन के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने घरों पे भी तिरंगा फहराएं और इस आज़ादी के पर्व को ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और ये जो हमारा पर्वतीय राज्य है, इसके लिए ख़ास तौर पे आने वाला वक़्त और शिखर पे बढ़ने का हो, यही मैं आज का आपके माध्यम से सभी जनता को अपील करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।